नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प रैली के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प रैली के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने फूल माला से स्वागत किया। उन्होंने कन्नौज की जनता से अपील की कि इस बार पिछली सरकार से बदला लेकर बीजेपी का सांसद बनाना है। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी कारण हमारे 17,000 वोटों से परास्त हुए पर पराजित नहीं हुए, पराजित दिए गए थे। अब की बार अब बदला लेना है। बदला इसी बात का लेना है कि कई लाख वोटों से इस बार हराना है, ताकि इस बार कोई लड़ने की हिमाकत ना कर सके। चुनाव दो धाराओं के बीच में, एक धारा वो है जो परिवार तक सीमित है, एक धारा वो है जो केवल जातिवाद तक सीमित है, संप्रदायवाद तक सीमित है। सरकार आएगी तो कम प्रकार की तो चार दीवारी बनेगी, लेकिन सौदा गारंटी जो चार दीवारी है वो नहीं बनेगी। एक संप्रदाय की कन्या का विवाह होगा तो दूसरी संप्रदाय कन्या का विवाह के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार वर्तमान में हमारी नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि समय बदला है और समय के बदलाव के साथ साथ आज पूरे भारतवर्ष की व्यवस्था बदली है। जो एक दूसरे को गाली देते थे, कभी कहते थे गुंडा, तो दूसरी तरफ से आवाज आती थी गुंडी। ये गुंडा और गुंडी कहने वाले लोग आज आपस में क्यों मिले हैं? बोलते हैं बीजेपी ने विकास नहीं कराया। अरे अगर बीजेपी ने विकास नहीं कराया तो आपको काहे का डर था? एक पार्टी की सरकार, पिछले बार की समाजवादी पार्टी की सरकार, तो उससे पहले किसकी सरकार थी? ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। अगर आपको डर नहीं था तो आज मिलने के बाद भी आप में डर है और आपको डर होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने शासन सत्ता काल में केवल भ्रष्टाचार किया है, लूट और लोच और कसोट किया है। इसलिए ये सरकार आने के बाद जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं आपको गिनवा रहा था, इस कारण से केवल 17,000 वोटों से हमारे प्रत्याशी पराजित हुए, पराजित नहीं हुए, पराजित करा दिए गए। अब की बार आपको बदला लेना है और बदला इसी बात का लेना है कि आपकी 17,000 नहीं, आपकी जो हराना है वो कितने लाख का मार्जिन यहां पर हो कि इस बार दोबारा कोई लड़ने की हिम्मत यहां की धरती पर ना कर सके। ये लीड लेकर आपको जाना है। अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार के बारे में देखेंगे तो मुलायम सिंह जी से लेकर शिवपाल जी से लेकर रामगोपाल जी से लेकर धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव से लेकर और आदरणीय डिंपल यादव तक पूरा एक श्रृंखला चली आएगी, एक ही परिवार में सारा चीज चला जाए। लेकिन बीजेपी में पूछो अगला अध्यक्ष कौन होगा तो आप चारों तरफ ताकोगे और आपको यह दिखाई नहीं पड़ेगा कौन होगा। आप में से आवाज निकलेगी कोई ना कोई कार्यकर्ता ही भाजपा का अध्यक्ष बनेगा। हम में और उनमें अंतर है और यही अंतर का कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई बनी है तो बीजेपी बनी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्यता किसी की है तो बीजेपी की है। सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार 16 राज्यों में है तो बीजेपी की है। सब रहने वाले चाहे जो करे, गली गली में शोर है, एक बात प्योर है, हमारा पीएम प्योर है और कहने वाला इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।